भारतीय जनता पार्टी की एक डेलीगेशन ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की, साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर सीक्रेसी के उल्लंघन की कड़ी निंदा भी की है और मांग की है कि मतगणना को यहीं पर स्थगित किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला, जिसमें कि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे ओम पाठक जी मौजूद थे। महाराष्ट्र और हरियाणा में राज्यसभा के चुनावों में जिस तरह से खुलेआम अनियमितता की गई है, जो चुनावों के दिशा निर्देश हैं, गोपनीयता के निर्देश हैं, सीक्रेसी के नियम हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, उस संबंध में महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी हमारी पार्टी ने अधिकृत रूप से वहाँ के जो चुनाव अधिकारी हैं उनको, ऑब्जर्वर को शिकायत भी की है और जो सीक्रेसी के कानून हैं उसके उल्लंघन के आधार पर हमने चुनाव के उनके चुनावों को हमने अवैध घोषित करने के लिए कहा है और उसके पूरे के पूरे अध्ययन करने के साथ साथ तब तक चुनाव आयोग इस संबंध में मतगणना रोके, ये भी हमने निवेदन किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इस संबंध में जानकारी लेंगे और जो भी नियमों के अनुसार आवश्यक होगा उस पर कार्रवाई करेंगे।